ऐश के साथ साथ उसके जर्नी में बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी ट्रैवल किया है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग ऐश के ट्रैवल कंपेनियंस में से उनके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को निकालने वाले। जी हाँ, तो आज हम लोग ऐश के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेनियन एवर जानने वाले हैं। फ्रॉम कांटो टू गलार, वेल एक्चुअली उसको गलार नहीं, पोकेमॉन जर्नीज बोलना सही होगा। तो हाँ यार, चलो स्टार्ट करते इस वीडियो को। लेकिन यार एक चीज तुम नोटिस करना यहाँ पे, और यार देखो यहाँ पे मैंने उनकी बॉन्ड ऐश के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है उससे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं किया यार, मतलब उससे कोई लिंक ही नहीं है। उसका बॉन्ड ऐश के साथ हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पोकेमॉन को जज करने वाले, यानी कि जिसकी पोकेमॉन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ऊपर होगा इस लिस्ट के अंदर। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे क्लेमेंट। क्लेमेंट एक्चुअली एक जिम लीडर रह चुका है। जिम लीडर रहना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। वैसे देखो हर रीजन में 8 ही जिम्स होते हैं, वैसे ऐसे कि हम लोग एनिमे में बताया गया वो गैली वाले सीन थोड़ा सा एक्सेप्शन था। तो यार देखो उसके पास ना अच्छे पॉकीमॉन्स भी थे, क्योंकि जिम लीडर है तो भाई अच्छे पॉकीमॉन्स तो होंगे ना। और उसका लग्जरी जो उसका एस पॉकीमॉन था उस पर भी ये पूरा डिपेंडेंट था। और क्लेमेंट तुम इन्वेंशन भी नहीं बोल सकते, वो इन्वेंशन थोड़े थोड़े फेल होते, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा फेल होते थे, फिर भी यार उसका इन्वेंशन भी कमाल की था। एंड उसके साथ साथ उसके पॉकीमॉन्स के पास भी ना अच्छी पावर्स थी, खास के उसका लग्जरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसका लग्जरी यार एक्चुअली एक एस पोकेमॉन था। नंबर 4 पे डॉन। डॉन के पास देखो यार पॉकीबॉन्स ना अच्छी खासी थे, यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ पॉकीबॉन्स थे उसके पास। लेकिन यार उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर इसलिए रखा है क्लेमेंट से, बिकॉज यार वो अलग बात है, वो पॉकीबॉन ट्रेनर नहीं है। फिर भी यार उसकी पॉकीमॉन एंड उसका बॉन्ड ना बहुत अच्छा है। उसके पास ऐसे पॉकीमॉन्स है जो अपने आप को सेक्रीफाइस तक कर सकते हैं अपने ट्रेनर के लिए। तो हाँ इस कारण से मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर रखे। उसके पॉकीमॉन्स भी ना अच्छे खासे यार, मैमोस्वाइन जो इसका अच्छा खासा पॉकीमॉन है, टोगो की इसको हम लोग नहीं भूल सकते यार, वो एक एस पॉकीमॉन है उसके लिए। एंड उसके बाद उसके स्टार्टअप पॉकीमॉन वो भी बहुत कमाल का है, पिपलव थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी यार सही पोकेमॉन है वो भी। वो भली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है कि कॉन्टेस्ट में जो बैटल होती है डॉन के साथ वो बहुत ही कमाल की होती है। डॉन के पास ना एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो नंबर 3 पे आयरिस। देखो यार आयरिस की पॉकीमॉन, उसके पास इतने अच्छे पॉकीमॉन है, वो नंबर 1 पे जा सकती है। वो क्यों नहीं है, बिकॉज यार उसके पॉकीमॉन जो है ना वो उसकी बात नहीं मानेंगे कभी कभी, कुछ ऐसे ही सीन हो जाएगा। उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स है, ओके उसके पास ड्रैगनाइट है यार, उसके पास एक्स्ट्रा ड्रिल है, उसके एक्स्ट्रा ड्रिल को लेकिन यार खुद प्रॉब्लम है आयरिस से, मतलब समझ रहे हो ना, उसके पॉकीमॉन को खुद प्रॉब्लम होता है आयरिस से, लेकिन फिर भी उसके पॉकीमॉन बात माने आयरिस के, मतलब यार फिर बिल्कुल तबाही मचने वाली है। वैसे आयरिस का जो एस पॉकीमॉन हुआ ड्रैगनाइट, उसके ड्रैगनाइट भले उतना कुछ ओपी लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी उस ड्रैगनाइट में बहुत सारी एबिलिटीज है, मतलब यार वो भी डिस्ट्रक्शन मचा सकता है अगर वो चाहे तो, मतलब एक बार वो फॉर्म में आ जाए ना फिर तो यार वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर ही देगा अपने ऑपोजिंग पॉकीमॉन को, यही काबिलियत रखते हैं ड्रैगनाइट। और यहाँ पे ड्रैगनाइट के कारण ही आयरिस यहाँ पे नंबर 3 पे, नहीं तो आयरिस थोड़ी सी नीचे यहाँ पे जा सकती थी वैसे, क्योंकि उसके पास बॉन्ड नहीं है उसके और उसके पॉकीमॉन के बीच में, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा और ऊपर में रखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं रख सकता हूँ भाई इसको। पर 2 पे में एंड मे का जो बेस्ट पॉकीमॉन है वो सभी लोग जानती है, ब्लेजिकन। यप, उस ब्लेजिकन के पास यार बहुत मस्त पावर्स है, यानी तुमने वो लास्ट बैटल भी देखा होगा आज का सेप्टाइल वर्सेस मे का ब्लेजिकन, मतलब वो बहुत ही कमाल का मैच था यार। उस मैच का ना फीलिंग यार मैं फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब एक और जो लीग वाला फेज आता है ना उस लीग वाले फेज के अंदर भी मतलब ब्लेजिकन आराम से पार्टिसिपेट करके वो मैचेस जीत सकता था, फिर भी वो एक ड्रॉ मैच हुआ वो अलग बात है। मतलब तुम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज के सेप्टाइल के साथ साथ ब्लेजिकन ड्रॉ करता है, तुम लोगों के पावर लेवल ना बहुत सेम है। और मे के पास और भी अच्छे खासे पॉकीमॉन्स है, वो अपने कॉन्टेस्ट के लिए भी और अच्छे से प्रिपेयर करती है। उसका जो ब्लेजिकन है वही तो भाई उसका एस पॉकीमॉन है, मतलब उसके बिना मे थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी, लेकिन उसका ब्लेजिकन जब तक उसके साथ है तब तक मे के पास एक अलग एस पॉइंट तो रहेगा ही। वैसे तो मे के ब्लेजिकन के साथ साथ मे के पास और भी अच्छे खासे पॉकीमॉन्स है, लेकिन फिर भी मे के पास बिना ब्लेजिकन का हम लोग मे अगर देखे तो ना बिल्कुल नहीं, उसके बिना तो मे सूट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मे के पास जो पॉकीमॉन की एबिलिटीज है, पॉकीमॉन के पास जो इतनी पावर्स है ना, उसी कारण से मे यहाँ पे नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 पे एक नहीं दो दो कैरेक्टर्स, यानी मिस्टी एंड ब्रॉक। हाँ सबने ये एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा कि यही लोग नंबर 1 पे आने वाले हैं, बिकॉज यार ये मेगा इवॉल्व कर सकते हैं अपने पॉकीमॉन्स को। हाँ वो एक अलग बात है, उसके बाद यार इनके पास जो पॉकीमॉन है ना वो बहुत मस्त है। और साथ ही साथ जो जिम लीडर्स है, जिम लीडर्स अब तो समझ रहे हो ना यार, उनके पास तो पावर्स होने ही है यार, क्यों नहीं पावर्स हो। बाद इन लोग के पास एक और प्लस पॉइंट है कि इन्होंने ऐश के साथ भी ट्रैवल किया है, मतलब ऐश के साथ 2-3 रीजन भी ट्रैवल किया है, मतलब यार उसके बाद तो इनके पास ना अच्छे खासे पॉकीमॉन्स तो आने ही है। और इनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यार, क्योंकि यहाँ पे जिम के अंदर इन लोगों के बैटल ना अच्छी खासी होती होंगी। स्टार्टिंग में ये लोग भी थोड़े वीक थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया इनके पास भी बहुत ही अच्छी पावर्स
आने लगी। एंड अलोला के कुछ एपिसोड्स के अंदर भी इन लोगों के पावर्स हम लोगों को देखने को मिले, मतलब बहुत एपिक थे। मतलब मेगा इवॉल्व होने के बाद इनके पोकेमॉन्स यार एक अलग ही लेवल पे जा चुके थे, इसी कारण से मैंने इनको नंबर वन पे रखा। नंबर वन इनके सिवा कोई और मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। वैसे यार देखो कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी है, वो मेंशन है काइव के लिए, काइव क्या वे व्हाटएवर यार जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, और गो के लिए, मतलब यार गो यार क्या ही कर रहा है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स है, मतलब वो यूज करे तब ना वो बस पोकेमॉन पकड़ने पर लगता है यार, मतलब क्या ही कर रहा है गो। अब देखो उसके पास कैरेक्टर डेवलपमेंट आएगी तो थोड़ा सा और अलग सीन बन सकता है, लेकिन फिलहाल की तो मैं गो को किसी रैंक पर नहीं रख सकता, बिकॉज यार गो ना अच्छे से मैच लड़ता नहीं है, वो बस पोकेमॉन को पकड़ता है, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन तक है, मतलब गो एक अलग लेवल के ट्रेनर है, लेकिन उसको बस पोकेमॉन पकड़ना है, पोकेमॉन से फाइट नहीं करना है, ये तुम जान लो। तो यार देखो आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा पॉकी क्विज का भी ट्विस्ट रखते हैं। तो आज के पॉकी क्विज है कि मिस्टी के पास कौन सा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था, चलो कमेंट्स में बताओ, और मैंने बहुत पहले पॉकी क्विज जो पूछा था उसके विनर्स मैं इस वीडियो में शो कर दूंगा। तो यार मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, पर उससे पहले लाइक करना वीडियो को, तुम लोग पसंद आई होगी तो, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।